well hello everyone so this is So Tulaskar uh, your banking exam trainer coach so I am here uh, with a series of castle D I heard I have seen so many students those who generally struggle in the kind of topic like this you might have been seeing my introductory video as well I consider it as a trailer one I don't know may or may not but the point is the reason behind uh, start the D.I. is so simple Kaatisare students struggle karte एंड यू विल गेट सम अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन यू वुड लर्न समथिंग अमेजिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावरफुल चीजें फ्रॉम माई साइड एंड अगर आप जानते हो मुझे तो डी आई के बारे में चीज़ें मैं अपने चैनल के ऊपर अक्सर बताते रहता हूँ यू आई डॉ बिन ऑब्जर्व कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी ले ही लेता हूँ तो जो सीरीज शुरू हुआ है या एक से एकदम फ्रॉम द वेरी बॉटम से ले लेके

आपका कैसलेट डीआई के डाउट 90 परसेंट लगभग क्लियर हो जाएंगे बिकॉज आजकल जैसे कैसलेट डी आई आ रहे हैं उस लेवल तक मैं क्वेश्चंस लेके जाऊंगा लेकिन फॉर दैट यू नीड टू कनेक्ट माई यूनिट टू कनेक्ट विथ माय यूट्यूब चैनल सो दैट आई वुड सिंपली सजेस्ट इफ यू आर न्यू इन माई ऑन माई यूट्यूब चैनल डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर टू योर फ्रेंड सो दैट अदर वुड ऑल्सो लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैसलेट डी ठीक है

ऑल राइट ठीक है तो इतनी जगह है मेरे पास आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है धीरे धीरे चीजें हम सीखेंगे क्या करना है क्या नहीं सो so देखते पहला क्या आउट ऑफ टोटल सॉरी स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो कुछ नहीं भाई उसने बोला है नीचे का डेटा पढ़ लो बॉस एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व करो क्या बोल रहा है आउट ऑफ टोटल सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्टूडेंट फ्रॉम द आर्ट्स बिंग ऑफ अ कॉलेज एक कॉलेज है जिसमें टोटल स्टूडेंट डी है लिख लेते हैं ये वाला डेटा जितना जितना चीजें समझ में आती है लिखते चलते तो सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है ठीक है इनके साथ क्या हुआ उसमें से बोला है ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वर्ड इज यूज ओनली

ये वाला बॉस दिस इज ओनली वाला पोर्शन ओनली जो किसी के साथ गलती से भी गलती से भी शेयर नहीं है अगर ओनली मैं आपकी बात करूं। तो अरे सर ये वाला सीख गए सर हम सीख गए अरे सीख गए सर हम ये वाला अच्छा तो ओनली रीजनिंग वाला बता दो अरे सर ये वाला ये वाला आराम से आ जाएगा सर ठीक तो है सो बॉस ऐसा ओनली है ओनली का मतलब जिसके आगे ओनली लगाया ना बस उतनी ही चीज है अगर उसने ओनली इंग्लिश और रीजनिंग भी बोल दिया तो जो बीच में शेयर होता है वो वाला सो अकॉर्डिंगली ऐसी चीज है तो हमारे पास तो सब्जेक्ट तो तीन रहेंगे तो हम इसको ऐसी सॉल्व करेंगे और तीन से ज्यादा रहेंगे देन हम सीधा सीधा बना लेंगे अपना लोड नहीं बढ़ाएंगे ठीक है देखो कैसे बनाते हैं तो आई <laughs> होप आपको आता भी होगा ठीक है चलो ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट का मतलब बस वही थोड़ा ऊपर से ले लेते ओनली साइकोलॉजी पीएस वाई लिख लेता हो कितना है ट्वेंटी वन परसेंट इसके ट्वेंटी वन परसेंट कितने हो जाएंगे टेन परसेंट बोले तो राइट हैंड साइड से वन पॉइंटर

कितने लोग है उसने परसेंट 12% परसेंट बोले तो 650 में आप 130 डालो अब देखो 650 में 100 डालो 750 हो गया बाद में 30 डाल दो 780 हो गया 780 ठीक है उसके बाद उसने बोला है 15% ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट हैव मेजर ओनली पॉलिटिक्स तो अगेन ओनली पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कितना 15% अब 10% 650 उसके बाद 15 परसेंट बोले तो छह सौ पचास का आधा देखो छे सौ का आधा तीन सौ छह सौ पचास प्लस तीन सौ सौ पचास और पचास का 25, 950, 975. थोड़ा पैसे से रिलेट कैलकुलेट करते हो ना तो पैसा आंखों के सामने समझ में आता है आप देखो कभी नोट्स वगैरह पढ़ते हो ना सॉरी नोट गिनते हो ना तो चीजें समझ में आती है तो पैसे से कंपेयर करने का बार बार मैं बोलता हूं कैलकुलेशन रहे कोई भी सब्जेक्ट रहे अगर आप लोग रियल लाइफ से अटैच करना सीख जाते हो ना तो अपना सा लगना शुरू होता है जब चीजें अपनी सी लगती है तो इंटरेस्ट भी आता है जब इंटरेस्ट भी आता है काम भी बनते हुए दिखता है तो अगर काम बनाना चाहते हो एंड इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो एंड आई वुड सिंपली सजेस्ट यू कि लाइक अपने एनर्जी को स्ट्रांग रखोगे आपको माहौली माहौल दिखेगा ठीक है चलो सो याद रख तो पहुंच गए जनाब आगे बोलते हैं उसके बाद क्या बोला है वो सेवन परसेंट आप टोटल है वो मेजर फिलोसोफी। तो सेवन परसेंट टोटल जितने भी है कितना हो गया फोर डबल फाइव कायमे है बेटा दर्ड का थोड़ा सा देख लेते कितने सेवन परसेंट हमारे ओनली फिलोसॉफी तो भाई फिलोसॉफी ये पॉलिटिक्स था ये फिलोसॉफी है ओनली उसके बाद उन्होंने बोला है टेन परसेंट स्टूडेंट हिस्ट्री तो हिस्ट्री में टेन परसेंट टेन परसेंट बोले तो सिक्स फिफ्टी हो जाएगा ओनली है ना हा एट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट मेजर बोथ फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी तो बोथ नाम का वर्ड है इधर बोथ साइकोलॉजी है प्लस फिलोसॉफी है पी एच आई कितना है एट परसेंट अब 650 में से आपको 8 परसेंट माइनस करना है देखो 650 से आप 108 आठ देखो 10 परसेंट बोले तो 650 होता है अब उसमें से 2 परसेंट माइनस करना है 2 परसेंट बोले तो कितना होता है 130 तो पहले 100 माइनस कर देते तो 650 से 100 चले गए 550 फिफ्टी पे पहुंच गया उसके बाद थर्टी माइनस कर देते कितना हो गया फाइव ठीक है नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद है फोर परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो भाई हिस्ट्री में प्लस थोड़ा पॉलिटिक्स में चले जाते हैं कितना आया बेटा हमारे पास वी आव फोर परसेंट फोर परसेंट बोले तो देखो टू परसेंट आपने अभी निकला था वन थर्टी सर कैसे कर रहे हो ये ज्यादा लोड लेने का नहीं सीधा सीधा इसको चार से मल्टीप्लाई कर देने का अगर बहुत ज्यादा लोड बढ़ रहा है सर कैसे कर रहे हो क्या कर रहे हो बॉस खाली परसेंटेज निकाल रहा हूं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं ये सिक्सटी फाइव मेरा वन परसेंट होता है इसको चार से मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा कितना होता है टू सिक्सटी ठीक है उसके बाद एलेवन परसेंट ऑफ टोटल मेजर इन इंग्लिश लिटरेचर पॉलिटिक्स तो इंग्लिश प्लस पॉलिटिक्स में चलते हैं पॉलिटिक्स में चलते हैं कितना है बेटा है तो सिक्स फिफ्टी में इलेवन सॉरीव डाल दो सेवन फिफ्टीन ये क्या कर रहे हो सर कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही इतना डिफिकल्ट है नहीं नहीं सर इतना डिफिकल्ट तो नहीं है सही में डिफिकल्ट है अरे पक्का नहीं है यार बता रहे ना हम <laughs> कैसा है देखो टेन परसेंट सिक्स नहीं किया चीजें आनी चाहिए बिकॉज ऑफ दैट मैं काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी लेता हूं उसके पीछे रीजन भी वही है अगर आपने वर्कशॉप अटेंट नहीं किया होगा तो पक्का अटेम्प कर लेना आपको चीजें बहुत बेहतर बहुत समझ में आ जाएंगी चलो देखते आगे बढ़ते ठीक है आप डू लेट मी द दमेंट बिल अगर आपको वर्कशॉप अटेम करना हो तो बाय द वे आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा या आपको मेरे कहीं नीचे में लिंक भी मिल जाएगा मैं डाल दूंगा उसमें उसके बाद देखते ऑफ ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट हैव मेजर इन साइकोलॉजी एंड इंग्लिश लिटरेचर तो पी एस वाई है प्लस इंग्लिश है कितना है बेटा नाइन परसेंट नाइन परसेंट बोलो तो छो पचास में से आपको सिक्सटी फाइव माइनस करना है चलो बोलो कितना आता फाइव एटी फाइव ओके अब क्या बचा है साइकोलॉजी और इंग्लिश ही कवर किया ना हमने अब थ्री टोटल हमारा हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी तो भाई साहब हिस्ट्री ले लो प्लस फिलोसॉफी ले लो थ्री परसेंट थ्री परसेंट बोले तो सिक्सटी फाइव को तीन से मल्टीप्लाई करो तो सिक्सटी को तीन से वन एटी पांच को तीन से पंद्रह पंद्रह फाइव हो गया जी बस ऐसी तो डेटा बनना है और कुछ है क्या नहीं तो बस यार डेटा ही तो बनाना था उसके बाद क्या एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा देखते हैं व्हाट इज द ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट मेजरिंग इन फिलोसॉफी ऑफ द स्टूडेंट मेजरिंग ओनली साइकोलॉजी द वर्ड यूज ओनली साइकोलॉजी पहले साइकोलॉजी ले लेते ले देखो तेरह सौ पैंसठ और द पॉइंट इज इसको ओनली लगाया उसको ओनली नहीं है इसका मतलब फिलोसॉफी मुझे जहां जहां दिखेगा सब कुछ कंसिडर क्या सर ये कैसा लॉजिक है नहीं समझ में आया अरे बड़ा सिंपल है देखो मैंने क्या बोला कि मैं जो ऐसा बंदा हूं ना मैं खाली बॉस साइकोलॉजी सीखने वाला हूं इसका मतलब मैं तेरे फिलोसॉफी के तरफ नहीं देखता हूं किसी के तरफ नहीं देखता हूं ओनली नाम का मतलब बस मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूं अब जो ये फिलोसॉफी है ना उसके आगे ओनली नहीं लगा यानी लगासॉफी पढ़ने वाला बंदा फिलोसॉफी भी पढ़ेगा अब देखो कौन से कौन से कौन सा है वर्ड फिलोसॉफी देखो फिलोसॉफी में फिलोसॉफी फिलोसॉफी में फोर फिफ्टी फाइव है सर ये भी लेना पड़ेगा और फिलोसॉफी में आप देखो फाइव ट्वेंटी भी होता है सर ये भी लेना पड़ेगा क्या हाँ जी और आप देखो फिलोसॉफी में हमको 195 नाइन फाइव भी दिखता है सर ये भी लेना पड़ेगा अरे सब कुछ लेना पड़ेगा ये हो गया दस शून्य कैरी वन दस बारह सत्रह सात कैरी वन दो पाँच सात चार ग्यारह एलेवन सेवनटी इन दोनों का रेशियो मार दो जनाब तो बोलो कैसे कट्टा है मेरे को तेरह से कट्टे हुए दिख रहा है तेरह नौ एक सौ सत्रह नब्बे ये देखो थर्टीन वन हजार थर्टीन जीरो देना पड़ेगा तेरह पंचायत पंद्रह का टेबल पंद्रह नौ पंद्रह सात पंद्रह 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 सत एक सौ सात सिक्स टू सेवन ऑप्शन है ओके so समझ में आ जाता है बाय द वे इसको बड़ा रुक जाओ मैं अंडू कर देता हूँ हाँ ये देख लो ठीक है ये वाला कुछ नहीं एडिशन ही किया मैंने अब क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ठीक है दो अभी इधर सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना अभी थोड़े क्वेश्चन बड़े कर देता तो अभी अपन को क्वेश्चन ही क्वेश्चन बड़ा नहीं होता होता बोलते होता 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 अपना हो सेकंड वाला ऐसा दिखना चाहिए ठीक ठीक है ठीक है जनाब जब तेरी जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे बोलना अब देखते हैं आगे में स्टूडेंट मेजरिंग इन हिस्ट्री हिस्ट्री में देखो कितना स्टूडेंट है अरे सबका एडिशन ओनली नहीं बोला है तो हिस्ट्री 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 छ प्लस हिस्ट्री 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 260, 650 में 200 डाल दो कितना हो गया 850, 850 में 60 डाल दो कितना हो गया 910, 910 अगेन हिस्ट्री 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 ये नीचे में 910 में नौ दे दो कितना हो गया 1010, 1010 को 95 दे दो कितना हो गया 1105 अरे सर क्या कर दिया आपने कुछ नहीं समझ में आ गया अरे एडिशन ही किया मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट तुम भी कर लेना कुछ नहीं किया जहां जहां मुझे हिस्ट्री नाम का वर्ड दिखा सीधा एडिशन मार दिया किसका किसका हिस्ट्री 650 हिस्ट्री 260 650 में 200 डाल दो देखो मैं मुंह से कर रहा हूं देखो 650 में 200 डाल दिया 850 हो गया उसके बाद 60 डाल दिया तो पहले 50 डाल दो तो 850 में 50 डाल दिया 900 उसके बाद 10 नौ सो दस फिर से हिस्ट्री है वन है तो एक काम करते उसको दो दे देते अब तुम्हारा कितना था नौ था दो दिया तो ग्यारह हो गया है ना? एक हजार दस ग्यारह सो दस लेकिन हमारे पास पांच कम है तो ग्यारह सो दस में से पांच माइनस करेंगे क्या हो जाएगा ग्यारह सो पांच ये ग्यारह सो पांच ठीक है पैसे से गिनना अपना सा बनाना काम बनना शुरू हो जाएगा पेन लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेजरिंग इन पॉलिटिक्स कितना परसेंट है बोले पॉलिटिक्स का एडिशन चलो बोलो मुझसे करो ध्यान दो नाइन फाइव ठीक है नौ फाइव पॉलिटिक्स उसके बाद पॉलिटिक्स तो इधर ही होगा ये देखो पॉलिटिक्स अब देखो 900 को 200 दे दो 975 को 200 दे दिया तो 1100 हो गया 1175 हमारे पास है अब इसमें से 60 दे दिया नहीं आ, आप आप कंफ्यूज हो जाओगे 975 प्लस दो कर ले बेटा सर हमको ऐसे ही बनता है सर जान दो वो ठीक है और कौन सा है पॉलिटिक्स है ना तो पॉलिटिक्स ये और एक है सेवन सेवन फाइव मारो सबका एडिशन पांच पांच दस शून्य कैरी वन दो दो छ आठ 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 सात पंद्रह पांच कैरी वन एट दस नौ उन्नीस वन नाइनटी फाइव इंटू हंड्रेड या आंसर निकाल लेना निकाल लोगे क्या क्या बताना जरूरी है यार इतना तो आप कर सकते हो यार कर लो लेकिन ये छह ऑप्शन कैसा दिया है व डाउट फिर तो करना पड़ेगा आप लोगों के लिए चलो कोई नहीं ये दो जीरो डाल दो ये हंड्रेड को खत्म कर दो ये देखो ये जीरो, ये जीरो पांच का बोल सकते चार, पाँच पंच थर्टी नाइन का अगर टेबल बोलता हूं मैं चालीस का टेबल बोलता हूं चार पंचायत बीस हो जाता है यानी दो सो हो जाएगा है ना चार सेकंड चौबीस दो सौ चालीस होता है उतना मेरे पास है नहीं तो उनतालीस का चार पांच बार बोलूंगा तो वन नाइनटी फाइव हो जाएगा पांच बार बोल दिया वन नाइनटी फाइव अब 221 में से 195 माइनस करता हूं तो कितना बचता है 21 और 5 26 बचता है, 260 हो गया क्योंकि आगे का जीरो 260 को को अगर मैं चार को बोलता हूं तो छह बार होता है यानी 56. Something आना किया। सो आन आना 57 के पास। आपका भी लगभग आ जाएगा अप्रोक्सिमेटली वही आंसर होगा ठीक है उसके बाद देखते हाउ मेनी स्टूडेंट मेजर ओनली पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में कितने लोग मेजर है कि ये पॉलिटिक्स है कितना है नाइन फाइव ये देखो ऑप्शन दिख गया हो गया वो भी वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेजरिंग इन इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर में जितने सबका एडिशन मार लो देखो सेवन एटी में फिफ्टी सिक्स आ जाएगा आराम सेवन एटी इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश सेवन वन फाइव इंग्लिश फाइव एटी फाइव मार दो एडिशन बोलो पांच पांच दस शून्य कैरी वन नौ दस अठारह छिया कैरी वन छत पंद्रह सात बराबर है क्या छे छत कितना होता है तेरह होता है तेरह और सात बीस होता है टू जीरो ऑप्शन है क्या टू जीरो फाइव जीरो दीज आ जाएगा टू जीरो आंसर वही आया होगा <laughs> अरे सिंपल ही यार एडिशन ही करना है कुछ नहीं ओनली नाम का वर्ड है तो बस ओनली रखना ठीक है लास्ट क्वेश्चन आपके हवाले छोड़ दू क्या है नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैव मेजर इन विच सब्जेक्ट यार बहुत ही सिंपल है सारे सब्जेक्ट ओनली नाम का वर्ड नहीं ओनली भी पकड़ना इधर के भी पकड़ना सब का एडिशन करना और सबसे छोटा वैल्यू जिसका आएगा दैट वुड बी योर आंसर मुझे कमेंट करके आप पक्का बताओगे अगर आपने चारों क्वेश्चन तक यहां पे रुके इट मींस यू आर अ मैजिक लर्नर और आप सही में चीजें सीखना चाहते हो बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट अनाउंस तो करता है वांट टू बी कम इज बैंकर बस बहुत कम स्टूडेंट है मार्केट में जिनके पास लर्निंग एटीट्यूड है अगर आप लर्नर हो देन डू लेट मी नो द कमेंट बिलो आपका आंसर क्या आया ठीक है सो अकॉर्डिंगली आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय बाय